ओके सो लास्ट क्लास में हमने ये ग्राफ डिस्कस करना शुरू किया था, ठीक है। सो इसे रिकॉल करते हैं, जितना भी हमने डिस्कस किया था ना वो हम वापस रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है वो किस चीज का ग्राफ है? देयर इज अ पर्सन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मी, तो कोई भी हो सकता है। देयर इज अ पर्सन जो पहले रेस्ट कर रहा था, यानी एक रेस्टिंग फेज है, ठीक है। उस रेस्टिंग फेज के बाद कौन सा फेज है? एक्सरसाइज का फेज है, और एक्सरसाइज की जो बाद का फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज, ठीक है। तो तीन फेजेस हैं। इनिशियली व्हेन द पर्सन इज रेस्टिंग, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये किसका ग्राफ है? वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन अपटेक है और एक्स एक्सिस पे टाइम, ठीक है ना। ऑक्सीजन अपटेक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कितनी सप्लाई हो रही है, यही है ना। ऑक्सीजन अपटेक का मतलब है ऑक्सीजन सप्लाई, जितनी ऑक्सीजन मैं टेकअप करता हूँ वो मेरी ऑक्सीजन सप्लाई है जो मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है ना। तो रेस्ट पे कितनी ऑक्सीजन सप्लाई थी? यस गाइस, ऑक्सीजन अपटेक कितनी थी? 0.2 लीटर्स और डीएमक्यू पर मिनट, ऐसे था ना, सही है। तो इनिशियली जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो ऑक्सीजन डिमांड के इक्वल थी, यानी ऑब्वियसली व्हेन वी आर रेस्टिंग, तो रेस्टिंग के वक्त पे क्या होता है? रेस्टिंग के वक्त पे वी नीड लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड हमारी कम होती है। क्यों? ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, यानी हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना उसके हिसाब से ऑक्सीजन डिमांड होती है। हमारी बॉडी चाहती नहीं है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, हमारी बॉडी क्या चाहती है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही सारी एनर्जी प्रोवाइड करे। तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है ना उसके हिसाब से ऑक्सीजन डिमांड बन जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिमांड, जितनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी। तो रेस्ट पे कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमारी जितनी डिमांड होती है ना ऑक्सीजन की उतनी ही सप्लाई होती है। तो जब ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई इक्वल होते हैं तो बॉडी क्या करती है? एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकें, इतनी एनर्जी जनरेट कर सकें, इतने एटीपी प्रोड्यूस कर सकें कि डिमांड पूरी हो जाए एनर्जी की, सही है ना। तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए जब उतनी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही सारी एनर्जी मिल जाएगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे? अब क्या होगा जब एक्सरसाइज शुरू होगी, तो व्हाट विल हैपन? इस ग्राफ को बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। जब एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी तो एक्सरसाइज शुरू होते ही क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ एंड आई सडनली स्टार्ट रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर पर आवर पे या 15 किलोमीटर पर आवर पे आई एम रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, ठीक है। तो क्या होगा? एकदम से मेरी एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आई स्टार्टेड रनिंग। तो एनर्जी डिमांड कहाँ पहुँच गई यहाँ पे? जैसे एक्सरसाइज शुरू हुई ना, एक्सरसाइज कहाँ शुरू हो रही है? एट 2 मिनट्स, 0 से लेके 2 मिनट तक रेस्ट कर रहा था, 2 मिनट्स पे द पर्सन स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। तो हुआ ये कि एकदम से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। कितनी होगी ऑक्सीजन डिमांड? ओटू डिमांड कितनी हो गई? एकदम से बढ़ के ओटू डिमांड बिकम्स 2.5 लीटर्स पर मिनट या 2.5 डीएमक्यू पर मिनट। समझ में आई बात? तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये जो पर्पल वाला ग्राफ है, ये जो ग्राफ चल रहा है यहाँ पे, जो पूरा ग्राफ बना हुआ है, ये किसका ग्राफ है? ये ऑक्सीजन सप्लाई का ग्राफ है ना। यानी अगर मैं, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हाईलाइट दिस ग्राफ एज ऑरेंज, तो ये जितना भी ऑरेंज का ये कर्व है, जितना भी ग्राफ है, ये क्या है? दिस ग्राफ शोज ऑक्सीजन अपटेक। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है? ऑक्सीजन अपटेक। तो ये जो ग्राफ है ना जिसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन अपटेक एक ही चीज होती है ना। समझ में आ रही है बात? तो जो ये पूरा ग्राफ बन रहा है रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरेंज लाइन, इट इज ऑक्सीजन सप्लाई। अब ऑक्सीजन डिमांड जब एक्सरसाइज शुरू की तो ऑक्सीजन डिमांड कितनी हो गई? 2.5।
लेकिन सप्लाई कहाँ है? सप्लाई अभी तक 0.2 पे है और सप्लाई ऐसे ऐसे बढ़ रही है, यानी वी कैन सी द सप्लाई इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, जबकि डिमांड फॉरन बढ़ गई थी। जो डिमांड थी वो फॉरन बढ़ के कितनी हो गई थी? 2.5। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यानी होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई इक्वल होती है। जैसे मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की, मेरी ऑक्सीजन डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई ऐसे ऐसे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन अपटेक करने के लिए बॉडी किस तरह अडेप्ट करती है? अगर बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन अपटेक करनी हो तो बॉडी अडेप्ट कैसे करती है? यस गाइस, कैसे अडेप्ट करती है बॉडी? दो चीजें बढ़ती हैं, एक होता है ब्रीदिंग रेट और एक होता है डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। दोनों में क्या फर्क है ब्रीदिंग रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग? यस, हाउ डू वी डिफाइन ब्रीदिंग रेट? नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ब्रेथ्स टेकन पर मिनट इज ब्रीदिंग रेट, और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड पर ब्रेथ। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है कि आप एक मिनट में कितनी दफा सांस ले रहे हो। हम एक मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं? कभी नोटिस ही नहीं किया होगा तुम लोगों ने कि एक मिनट में तुम लोग कितनी दफा सांस ले रहे हो। एनी आइडिया, रफ आइडिया, हम कितनी दफा सांस लेते हैं एक मिनट में? एक मिनट में हम जितनी दफा सांस लेते हैं वो हमारा ब्रीदिंग रेट है। तो कैन यू गाइस टेल मी कि हम एक मिनट में जो है वो कितनी दफा सांस लेते हैं? यस, एनीवन कोई मुझे बता सकता है? 72 टाइम्स। ओ माय गॉड, 72 टाइम्स। सही है, 72 टाइम्स। ओके, एनीवन एल्स? यानी तुमने जो है ना ये वैसे शेजल ने जो बताया ना 72 टाइम्स, वो 72 टाइम्स हम एक मिनट में सांस नहीं लेते, एक मिनट में हार्ट हमारा 72 टाइम्स बीट करता है रफली, मतलब एवरेज। तो हार्ट रेट तुमने सही बताया है कि 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। लेकिन जो हमारी सांस होती है वो कैसी होती है? वी इनहेल फिर एक्सहेल। तो इनहेल एक्सहेल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हार्ट को बीट करने में कम टाइम लगता है। जो ब्रीदिंग रेट होता है ना नॉर्मल, वो कितना होता है? वेरी गुड शेजल, आई लव इट दैट यू ट्राइड। ठीक है, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है इट्स 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट। इट्स बेसिकली नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट। ठीक है, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं ना तब हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है? द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट इज 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट। यानी हम एक मिनट में 12 से 16 दफा सांस लेते हैं जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? एक्सरसाइज में क्या होगा? एक्सरसाइज में कितना हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा एक्सरसाइज में। ऑब्वियसली जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो यू ब्रीथ मोर नंबर ऑफ टाइम्स ए मिनट। हम कहते हैं ना सांस फूल रही है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जब तुम भाग रहे होते हो तो वॉट्स दिस, यू आर ब्रीदिंग मोर नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट। तो ये ब्रीदिंग रेट आपका 40 तक चले जाता है। तो अराउंड 40 ब्रेथ्स पर मिनट your breathing rate is when you exercise, and it depends on the exercise. वो आपके एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि आप कितनी विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो। क्लियर हो गई सारी बातें? तो क्या होता है कि एक्सरसाइज में ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हमें क्या करना है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, एक्सरसाइज स्टार्ट होते ही ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। अब ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे? Body will increase the breathing rate. ठीक है, What will happen to the depth of breathing? What will happen to the depth of breathing?
अच्छा डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड पर ब्रेथ, एक सांस में हम कितनी एयर इनहेल करते हैं वो डेप्थ है, ठीक है ना। यानी जैसे हम बोलते हैं गहरी सांस लो तो हम ज्यादा एयर इनहेल कर रहे हैं, डेप्थ बढ़ जाती है ना। डेप्थ का मतलब ये है कि कितनी ज्यादा एयर आप इनहेल कर रहे हो एक ब्रेथ के अंदर। तो व्हाट इज नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग? नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग एट रेस्ट बता रहा हूं कितनी होती है, 500 ml या 0.5 liters या 500 cm³ या 0.5 dm³। तो तकरीबन रफ एस्टिमेट ये है कि हम 0.5 liter एयर इनहेल करते हैं एट रेस्ट, ठीक है ना। और जब हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो कितनी चले जाएगी, 2500। अभी तो 500 है ना, ये दिस कैन गो टू 2000 2500, इतनी हाई चले जाएगी। यानी इतनी ज़्यादा एयर हम एक ब्रेथ में इनहेल करेंगे, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो एक्सरसाइज में ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ती है। ब्रीदिंग रेट से क्या होगा, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो वी टेक मोर ब्रेथ्स, समझ में आ रहा है। ब्रीदिंग रेट में क्या होगा, वी टेक मोर ब्रेथ्स एंड क्योंकि वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा ना। और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ने से क्या होगा, वी टेक डीप ब्रेथ्स। तो इफ वी टेक मोर ब्रेथ्स एंड वी टेक डीप ब्रेथ्स, सो व्हाट विल हैपन, वी विल इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नोटिस करो वो क्या रहा है कि ऑक्सीजन डिमांड एकदम से बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई ऐसे ऐसे बढ़ रही है और एक टाइम आएगा कि दोनों वापस इक्वल हो जाएंगी। कहाँ इक्वल हो गई, इस पॉइंट पर। तो वापस से क्या होगा, जब O2 यहाँ पे क्या होगा, O2 डिमांड विल बी इक्वल टू O2 सप्लाई। तो कौन सी रेस्पिरेशन होगी यहाँ पर, एरोबिक ओनली। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हुई फिर, एनारोबिक कहाँ हुई, एनारोबिक इस फेज में हुई जब ऑक्सीजन सप्लाई is less than oxygen demand, यानी oxygen demand ज्यादा है और oxygen supply कम है। तो इस केस में at this point what will happen, both aerobic and anaerobic respiration occur, समझ में आई बात, क्लियर है। तो O2 सप्लाई, अभी ऑक्सीजन डिमांड जो O2 सप्लाई है इट इज लेस देन ऑक्सीजन डिमांड या O2 डिमांड, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एरोबिक भी चल रही होगी, एनारोबिक भी चल रही होगी, जितनी ऑक्सीजन आ रही है दैट इज यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन बाकी नहीं आ रही है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रही है ऑक्सीजन, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आ रही है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रही है और एनर्जी दे रही है। जो रिमेनिंग एनर्जी है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ से आएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ पर। तो बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है, बॉडी का रिस्पॉन्स ये कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ, व्हाट इज द रीजन, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्यों बढ़ता है, ये सवाल आ सकता है पेपर में। तो क्या लिखोगे इसमें, when we start exercising or when we start running, why breathing rate and depth of breathing increase? That's because to meet the oxygen demand, theek hai, hum kya likhenge, to meet the oxygen demand breathing rate and depth of breathing increases so that more oxygen is inhaled in order to avoid anaerobic respiration. Body chahti hai anaerobic respiration ko avoid kare, समझ में आ रही है बात, बॉडी हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन को अवॉइड करना चाहिएगी। तो यहाँ पे इवेंचुअली बॉडी ने क्या किया, O2 डिमांड बढ़ी
तो इवेंचुअली उसने O2 की सप्लाई भी बढ़ा के इक्वल कर दी, सही है, O2 की डिमांड बढ़ी ना तो बॉडी ने O2 की सप्लाई बढ़ा के इक्वल कर दी ताकि एनारोबिक रेस्पिरेशन अवॉइड हो जाए, एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाए, रुक जाए। अब जो है यहां तक बातें क्लियर हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग रेट एंड पल्स रेट? यस गाइस, कैन यू टेल मी, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग रेट एंड द पल्स रेट? एनीवन? ब्रीदिंग रेट में और पल्स रेट में क्या फर्क है? पल्स क्या होती है? व्हाट इज पल्स? यस, व्हाट इज पल्स? ये पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, पल्स क्या होता है? पल्स इज बेसिकली, पल्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आर्टरी स्ट्रेचेस एंड रिकॉइल्स, ठीक है ना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी के अंदर ब्लड आता है, आर्टरी स्ट्रेच करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, आर्टरी के अंदर ब्लड नहीं आता, आर्टरी रिकॉइल करती है, ठीक है। तो बेसिकली पल्स रेट हार्ट रेट के जैसे ही होता है, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो आपको पल्स फील होती है यहाँ पे, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको आर्टरी जहां जहां पे है बॉडी में, जहां जहां पे स्किन तक, स्किन के करीब आर्टरीज है, वहां पे आपको पल्स फील होती है, ठीक है ना। तो पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही चीज है, सही है। एंड ऑब्वियसली ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट डिफरेंट है ना। हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट इज, यस गाइस, हाउ डू वी डिफाइन हार्ट रेट? हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही चीज है, ठीक है ना। तो हार्ट रेट या पल्स रेट क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन वन मिनट, ठीक है। तो कितनी दफा हार्ट बीट करता है एक मिनट में, वो हार्ट रेट होता है या पल्स रेट होता है? क्योंकि हार्ट रेट और पल्स रेट हमेशा मैच करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे आर्टरी स्ट्रेच होती हुई मिलेगी, आपको पल्स ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर के टकरा रही आर्टरी और फिर नीचे चले जाएगी जब हार्ट रिलैक्स करेगा। तो जितनी दफा पल्स आएंगे उतनी दफा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो जितनी दफा हार्ट बीट करेगा उतनी दफा पल्स आपको फील होगी। तो हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही चीज है। एंड यू नो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट तो ये होता है मैं सांस कितनी दफा ले रहा हूँ एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इज इट क्लियर है? समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन द हार्ट रेट एंड द पल्स रेट? गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। ओके, इसको समझाना पड़ेगा। गौर से मेरी वीडियो देखना, हंसना नहीं तुम लोग, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब देखो, व्हाट्स दिस? ब्रीदिंग क्या होती है? अच्छा ब्रीदिंग क्या होती है? यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है ना, यानी आपने एयर को इनहेल किया और एयर को एक्सहेल किया, ये एक ब्रेथ होती है। ऐसी ब्रेथ कितनी दफा हो रही है मिनट में, वो ब्रीदिंग रेट है आपका, सही है, क्लियर है सारी बातें। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज वन ब्रेथ, एंड द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक इन वन मिनट इज द ब्रीदिंग रेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है फिलहाल 20 दफा जो है ना, आई एम टेकिंग 20 ब्रेथ्स पर मिनट, क्योंकि अभी मैं बोल भी रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं जब बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्सर्शन है, तो मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है? एक ब्रेथ में कितनी ज्यादा सांस ले रहा हूँ, कितनी एक ब्रेथ में कितनी ज्यादा एयर इनहेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना गहरी सांस लो, गहरी सांस क्या होता है? बहुत ज्यादा एयर हम इनहेल करते हैं, बहुत ज्यादा एयर हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, ये होता है डेप्थ। तो डेप्थ अलग है, ब्रीदिंग रेट अलग है। ब्रीदिंग रेट क्या है? कितनी दफा आपने इनहेल एक्सहेल किया, यानी इनहेल एक्सहेल की साइकिल एक ब्रेथ होती है, कितने ब्रेथ्स आपने लिए एक मिनट में, वो ब्रीदिंग रेट है। और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग ये होता है कि आपने पर ब्रेथ, हर ब्रेथ में कितनी गहरी सांस ली है। अब डिफरेंस समझ में आया या अभी भी प्रॉब्लम है? यस, समझ में आ गया।
गुड, अगर समझ में ना आया करे ना कभी तो बता दिया करो, मसला नहीं है। ओके तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई। तो बेसिकली मैं इस ग्राफ में बताना क्या चाह रहा था, इनिशियली जब द पर्सन इज रेस्टिंग ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन सप्लाई आर इक्वल, ठीक है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है और सफिशियंट एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी, सफिशियंट एटीपी बनेंगे, कहीं और से एटीपी की जरूरत नहीं है, किसी और सोर्स से एटीपी की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सरसाइज करने लगे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि एनर्जी डिमांड बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी। और ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ती है, बाय इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट एंड इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, सही है। तो क्या होगा कि बॉडी करना क्यों चाहती है, बिकॉज बॉडी वॉन्ट्स टू अवॉइड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इवेंचुअली ऑक्सीजन सप्लाई विल बिकम इक्वल टू द ऑक्सीजन डिमांड, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कहां से हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कहां पे हो रही है, यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन इस पॉइंट पे एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो रही है और खत्म कहां हो रही है, इस पॉइंट पे। समझ में आई बात, जब ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन सप्लाई से ज्यादा थी ना, जो ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन डिमांड से कम थी तब तक हो रही थी एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब दोनों इक्वल हो गई अब नहीं होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहे कॉन्सेप्ट। तो ये जो कर्व है, ये जो पूरा कर्व बन रहा है, इस पूरे कर्व में ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, कम है, और ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, यानी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर रही है लेकिन सारी नहीं, बाकी एनर्जी कहां से आ रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली ऑक्सीजन डेफिसिट प्रोड्यूस हो जाता है जब हम, अगर हम इस जितना भी कर्व है जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम है ऑक्सीजन डिमांड से, इस कर्व के ऊपर के जितना भी एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेफिसिट। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का डेफिसिट प्रोड्यूस हो गया, यानी माइनस में चला गया। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ बैंक, राइट ना, जैसे हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव में चला गया, ऐसे ही है ना, जैसे हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है, नेगेटिव 100, नेगेटिव 1000, नेगेटिव 2000, नेगेटिव 5000, ऐसे तो नहीं होता ना, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नेगेटिव में चले जाएगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन कैन बी जीरो या ऑक्सीजन कैन बी पॉजिटिव इन द बॉडी, नेगेटिव में तो नहीं जा सकती ना ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का डेफिसिट स्टिल बिल्डअप होता है। डेफिसिट का मतलब क्या है, एक कोई चीज नेगेटिव में चले जाए तो ऑक्सीजन का डेफिसिट बिल्डअप हो जाता है। कैसे बिल्डअप होता है, किस फॉर्म में, ऑक्सीजन का जो डेफिसिट है इट बिल्ड्स अप इन द फॉर्म ऑफ लैक्टेट। जो हमारी बॉडी में लैक्टेट बन रहा है ना, हम कभी भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा ये एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन डेफिसिट का कर्व है, ठीक है, यानी इतनी ऑक्सीजन कम हो गई है। अब ऑक्सीजन एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या है, कि माइनस में चले गई है, लेकिन ऑक्सीजन माइनस में जा नहीं सकती। डेफिसिट हम वर्ड कब यूज करते हैं, जब कोई चीज नेगेटिव में चले जाए, लेकिन ऑक्सीजन नेगेटिव में नहीं जा सकती, बट स्टिल देयर इज ऑक्सीजन डेफिसिट। किस फॉर्म में है ऑक्सीजन डेफिसिट, लैक्टेट की फॉर्म में। समझ में आई बात, जो ऑक्सीजन डेफिसिट आपकी बॉडी में क्रिएट होता है वो लैक्टेट के फॉर्म में। अगर आपको इस ऑक्सीजन डेफिसिट को खत्म करना है तो आपको लैक्टेट को खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैंक बैलेंस चला गया नेगेटिव में एंड माय बैंक बैलेंस इज फॉर एग्जांपल -10,000, तो आई हैव टू पे 10,000 टू गेट रिड ऑफ इट। मुझे जीरो पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 rupees पे करने पड़ेंगे ना। अब जो है जब बॉडी में ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाएगा तो बॉडी को भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपटेक करनी पड़ेगी डेफिसिट पूरा करने के लिए। समझ में आई बात, हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपटेक करनी पड़ेगी टू फुलफिल दिस डेफिसिट। एंड ये जो ऑक्सीजन डेफिसिट है ये किस फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि माइनस सम वॉल्यूम ऑफ O2, इस फॉर्म में नहीं हो सकता ना, किस फॉर्म में होता है, लैक्टेट की फॉर्म में होता है। तो जब हम जब रिकवरी फेज आएगा ना, यहाँ पे देखो रिकवरी फेज पे सब गौर करना, जब आ जाएगा कौन सा फेज, जब आ जाएगा विद कौन सा वाला फेज, रिकवरी वाला फेज ना, दिस रिकवरी फेज। तो रिकवरी फेज में क्या हो रहा है,
द पर्सन स्टॉप एक्सरसाइजिंग, ऐसे ही हुआ ना। तो जब when the person stops exercising तो क्या होगा, एनर्जी डिमांड कहां पे आ जाएगी, एनर्जी डिमांड वापस कम हो जाएगी ना। when I stop exercising for example the energy demand decreases and oxygen demand भी कम हो जाएगी, तो oxygen demand कितनी हो गई, oxygen demand कम हो गई, oxygen demand कितनी हो गई वापस से 0.2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई इट इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। ऑब्वियसली जब हम एकदम से एक्सरसाइज करते करते रुकते हैं तो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते करते रुकेंगे तो क्या हमारा ब्रीदिंग रेट, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग सब फॉरन नॉर्मल पे आ जाएगा या ग्रेजुअली नॉर्मल पे आएगा, आइसोलेशन नॉर्मल पे आएगा ना। जब मैं भागता हूँ और मैं भाग के रुकता हूँ तो काफी टाइम तक मेरी सांस फूल रही होती है, यानी आई एम टेकिंग बोथ ब्रेथ्स पर मिनट, मेरा ब्रीदिंग रेट हाई होता है, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग भी हाई होती है। Even though I'm not exercising, मैं rest पे आ गया, तो मेरी oxygen demand तो कम हो गई है, लेकिन oxygen supply, oxygen demand कम हो गई, oxygen supply ऐसे ऐसे कम हो रही है। महाम ये जो तुमने भेजा है इसमें इससे क्या कहना चाह रही हो, मतलब ये जो क्वेश्चन भेजा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। हाँ, इसका जो पार्ट बी है उसमें पूछा है ना। हमारी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा एक मिनट, अब आ रही है सर? बहुत कम आ रही है, एक मिनट रुको। आई गेस देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द पीसी, मैं वॉल्यूम बढ़ा के देखता हूँ। नहीं यहाँ पे तो वॉल्यूम फुल है। लेट मी राइट ऑन चैट। कैन यू राइट इट ऑन द चैट? पार्ट बी में उन्होंने ऑक्सीजन डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है वो उस पर हम आते हैं डिस्कस करते हैं उसको, पहले भी हम अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, देखते हैं मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि जब हम एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देते हैं और हम रेस्ट पे आते हैं एकदम से, तो रेस्ट पे आने पे क्या होगा, व्हेन वी कम टू द रेस्ट, तो रेस्ट पे आएंगे तो ऑक्सीजन डिमांड एकदम से कम हो जाएगी, वापस से नॉर्मल पे आ जाएगी जितनी रेस्ट पे होती है, ऑक्सीजन सप्लाई आहिस्ते आहिस्ते कम होगी ना। हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ना ऑक्सीजन सप्लाई का वो थोड़ी स्लोली नीचे आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है इट इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन डिमांड, यानी आपको ऑक्सीजन की जितनी जरूरत नहीं है ना उससे ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो। तो बेसिकली आप ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ठीक है ना। जब हम रुक जाते हैं एक्सरसाइज के बाद, हम रेस्ट पे आ जाते हैं, स्टिल हमारा ब्रीदिंग रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग हाई होता है ताकि हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल कर सकें। इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इनहेल क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें ये जो डेफिसिट क्रिएट हो गया था ना विच इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डेफिसिट, हमें इसे पूरा करना है। तो ऑक्सीजन डेफिसिट को पूरा कैसे करते हैं, बाय इनहेलिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। यानी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, विच इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन अपटेक, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डेट। समझ में ही बात, ऑक्सीजन डेट क्या है, डेट का मतलब उधार। यानी एक ऑक्सीजन क्रिएट हो गया था ना, एक ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट हो गया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मेरा बैंक बैलेंस अगर -10,000 हो गया तो वो उधार चढ़ गया ना मेरे ऊपर, अब मुझे उसे पूरा करना है, मुझे 10,000 पे करना होगा। तो क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर की उसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिसिट प्रोड्यूस हो गया, किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया, लैक्टेट की फॉर्म में। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेट, बिकॉज दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट वी इनहेल आफ्टर एक्सरसाइज
is used to convert lactate back to glycogen या glucose. ठीक है, तो lactate को remove करने के लिए हमें extra oxygen चाहिए होती है. तो जो area इस curve के नीचे आ रहा है, कौन सा वाला curve? ये वाला curve है ना. जो area इस curve के नीचे आ रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन डेट है जो हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं. एंड दिस विल बी इक्वल टू द एरिया अबव द कर्व, इस वाले कर्व के ऊपर, जो कि क्या है? ऑक्सीजन डेफिसिट. तो डेफिसिट हम पूरा कर देते हैं ऑक्सीजन का बाय इनहेलिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. अब मुझे बताओ ये ग्राफ पूरा तुम्हें समझ में आ गया है या इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है? And do you guys want me to recall the entire graph? मतलब ये एक short recap चाहिए पूरे graph का. ये clear है सब कुछ? Yes guys, clear है? या do you guys need a short recap? Recap चाहिए? ठीक है. तो इस graph को देखो. Initially क्या है? The person is at rest. तो rest पे oxygen supply कम है ना. मतलब rest पे जाहिर सी बात है, when I'm at rest right now, तो मेरा breathing rate और depth of breathing कम है. लेकिन मैं उतनी oxygen inhale कर रहा हूँ जितनी मुझे चाहिए. तो oxygen supply जो है, जितनी मुझे चाहिए oxygen, वो demand के equal है. सही है ना? तो oxygen supply और oxygen demand equal है. इसका मतलब क्या है? तो aerobic respiration हो रही है. क्यों? क्योंकि भाई oxygen demand किसके अकॉर्डिंगली होती है? एनर्जी के अकॉर्डिंगली होती है. कितनी एनर्जी चाहिए? तो अगर आपकी जितनी डिमांड है उतनी ही ऑक्सीजन आपको मिल रही है, तो आपको उतनी एनर्जी मिल जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन से. आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं. ठीक है? तो इनिशियली ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई इक्वल है, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. देन द पर्सन स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग. तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो डिमांड शूट कर जाएगी. डिमांड कहां चले गई? जैसे एक्सरसाइज शुरू हुई, एक्सरसाइज कहां शुरू हुई है? एट 2 मिनट्स. तो 2 मिनट्स पे जैसे एक्सरसाइज शुरू हुई, डिमांड एकदम से शूट करके कितनी हो गई? 2.5. ऑक्सीजन डिमांड हो गई 2.5 DMQ पर मिनट या 2.5 लीटर्स पर मिनट. लेकिन ऑक्सीजन का जो अपटेक है या ऑक्सीजन सप्लाई, वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी? आहिस्ते आहिस्ते, बिकॉज ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस. And both cause increased oxygen uptake. तो ये बॉडी क्यों कर रही है? ये बॉडी का रिस्पॉन्स है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो अवॉइड कैसे करेगी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन को? डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग और ब्रीदिंग रेट बढ़ा के ऑक्सीजन की सप्लाई को ऑक्सीजन की डिमांड के इक्वल कर देगी. सही है? तो जैसे इक्वल कर देगी, वापस से सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी. ठीक है? क्लियर हो गई सारी बातें? अब ये जो ग्राफ है, मतलब जब एक्सरसाइज शुरू हुई तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है और ऑक्सीजन सप्लाई ऐसे ऐसे बढ़ रही है. तो जब तक ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन डिमांड की इक्वल नहीं हो जाती, तब तक दोनों रेस्पिरेशन चलेंगी, एरोबिक भी और एनारोबिक भी. अब आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है. तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन बिगिंस. और स्टॉप कब होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन? इस वाले पॉइंट पे. लेकिन क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ टाइम तक चली ना, कितने टाइम तक चल रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन? कैन यू गाइस टेल मी एनी आइडिया? इस ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कब तक चल रही है? यस, इट इज स्टार्टिंग एट अराउंड 2 मिनट्स एंड इट इज एंडिंग एट 6 मिनट्स. ठीक है ना? ऐसे ही है ना. स्टार्ट कहाँ हो रही है? 2 मिनट पे. और खत्म कहाँ हो रही है? 6 मिनट पे. यानी 4 मिनट तक एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है. तो इस 4 मिनट में क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है,
एरोबिक भी साथ साथ हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन जीरो तो नहीं थी ना, ऑक्सीजन थी लेकिन कम थी, तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो रही थी। अब 2 मिनट से लेकर 6 मिनट तक एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैक्टेट प्रोड्यूस हो गया। एंड लैक्टेट इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन डेफिसिट, यानी आपने एनर्जी डिराइव की विदाउट ऑक्सीजन, तो लैक्टेट एक्यूमुलेट हो गया। अब इस लैक्टेट को बॉडी में छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये डैमेज करेगा टिश्यूज को, बिकॉज लैक्टेट जो है वो एसिड है, इट डैमेजेस द मसल्स, ठीक है ना। तो इस लैक्टेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अब कैसे खत्म होता है ये, कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे एकदम से हम रेस्ट पे आए तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड एकदम से नीचे आ गई, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई आहिस्ते नीचे आ रही है ग्रेजुअली। क्यों ऑक्सीजन सप्लाई आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम भाग रहे होते हैं, भागते भागते एकदम से रुकते हैं, तब भी ब्रीदिंग रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता है, ठीक है। तब तक हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन डेट, वो उधार जो हमें चुकाना है डेफिसिट पूरा करने के लिए। तो हाउ डू वी डिफाइन ऑक्सीजन डेट, इट इज द पोस्ट एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के बाद एक्स्ट्रा अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। मुझे जो है ना वो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आईपैड को चार्ज पे लगा दूँ, चार्ज इसकी 1% है, वेट अ सेकेंड।
ओके गाइस कंटिन्यू करते हैं, आईपैड बंद ही हो गया था। यस तो ग्राफ जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, अब वन बाय वन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ग्राफ के बारे में। जैसे ऑक्सीजन डेट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीजन डेट को? फोर्स एक्सरसाइज का मतलब क्या है? आफ्टर एक्सरसाइज एक्स्ट्रा अपटेक ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज टू कन्वर्ट एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। To reoxygenate the hemoglobin and to supply oxygen to tissues which are operating at high metabolic rate. This is the definition of oxygen uptake, oxygen debt. ऑक्सीजन डेट क्या होती है? ऑक्सीजन डेट जो है वो एक्सरसाइज के बाद यानी पोस्ट एक्सरसाइज एक्स्ट्रा अपटेक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी डिस्कस कर लिया था पूरे ग्राफ से। एंड इसका मेन जो है वो पर्पस क्या है ऑक्सीजन डेट का? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑक्सीजन डेट? इट इज यूज टू कन्वर्ट एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बैक टू ग्लूकोज, मेन पर्पस इसका ये है। और क्या करती है इसके अलावा? नॉर्मली मुझे बताओ कि जो हमारा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दो तरह के ब्लड जो होते हैं ना हमारी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैन यू टेल मी द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड? आई एम जस्ट टेस्टिंग योर AS कॉन्सेप्ट। यस तुम्हारा AS का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा हूँ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन क्या होती है। हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन का मतलब पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कितना ज़्यादा बाउंड की हुई है विद हीमोग्लोबिन, यानी कितनी परसेंट सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस एनी आइडिया? अच्छा ये तो याद होगा ना कि हीमोग्लोबिन की चार साइड्स होती हैं, यानी हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये तो पता होगा ना। एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अ हीम ग्रुप और हर हीम ग्रुप पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ये पता होगा ना। तो पूरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं? चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, यानी चार बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो अगर पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन फिल्ड है तो सेचुरेशन कितनी होती है? 100%। अगर तीन ऑक्सीजन बाइंड हुए हुए हैं तो 75%, दो ऑक्सीजन बाइंड हुए हुए तो 50% और वन ऑक्सीजन बाइंड हुआ हुआ तो 25%। ये बात समझ में आती है नहीं आती? हेमोग्लोबिन पे चार बाइंडिंग साइट्स हैं और हर बाइंडिंग साइट पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। तो अगर चार बाइंडिंग साइट्स में से चार सीट्स हैं, चार में से एक फील्ड है, तो सेचुरेशन कितनी है हेमोग्लोबिन की? कितने परसेंट? 25%। अगर दो फील्ड हैं तो 50%, तीन फील्ड हैं तो 75% और चार फील्ड है तो 100%। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन फुल होता है, यानी 100% सैचुरेटेड, सारी की सारी साइट्स फिल्ड होती हैं।
Can you tell me what happens in deoxygenated blood? पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन खाली हो जाता है या कुछ ऑक्सीजन रहती है हीमोग्लोबिन के अंदर? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है या हीमोग्लोबिन फिल्ड होता है? यस, नहीं पता? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो पूरा फिल्ड होता है, मैंने ये बता दिया 100%. व्हाट अबाउट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? यस, किसी को नहीं पता? एनी गैसेस? 75%? नहीं, 75% नहीं होता. चलो नाइस ट्राई, 25% होता है. यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन फुल होता है कि सारी साइड्स फिल्ड होती हैं, ठीक है, जबकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन की सिर्फ एक साइड फिल्ड होती है. और जब होता ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा एम्प्टी हो जाता है. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होगा वो खाली हो जाएगा, ठीक है. तो नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी एक साइड तो फिल्ड रखती है, यानी 25% सैचुरेशन मेंटेन करती है. तो वो 25% सेचुरेशन भी कम होने लगती है व्हेन वी एक्सरसाइज. तो ऑक्सीजन डेड, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आती है ना, वो इसलिए भी आती है ताकि जो हीमोग्लोबिन एम्प्टी हो गए ना उनको रीऑक्सीजनेट कर दे. समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है. क्या लिखा है यहाँ पे, कि बिसाइड्स कन्वर्टिंग एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बैक टू ग्लूकोज, ऑक्सीजन डेड इज ऑल्सो यूज टू रीऑक्सीजनेट द हीमोग्लोबिन. और तीसरी चीज क्या है, to supply oxygen to the tissues which are operating at high metabolic rates. Obviously, जब हम भागने लगते हैं तो जो हमारे body के different organs हैं ना, उनका metabolic rate बढ़ जाता है. Metabolic rate का क्या मतलब है? What is meant by metabolic rate? उनके अंदर जो chemical reactions हो रहे होते हैं ना, obviously जितने बाकी organs हैं उनके अंदर cells हैं, cells के अंदर chemical reactions बढ़ जाते हैं, तो metabolic rate बढ़ जाता है, ठीक है ना. तो क्योंकि हम exercise करते हैं, जाहिर सी बात है. तो अब जब आप रुके हो, एकदम से रुके हो ना आप, तो क्या आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा फौरन से? यानी आपका मेटाबॉलिज्म, आपके केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे? नहीं, आहिस्ते से स्लो डाउन होंगे ना, ग्रेजुअली. तो ऑक्सीजन डेड, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमारे जो डिफरेंट टिश्यूज हैं विच आर ऑपरेटिंग एट हाई मेटाबॉलिक रेट्स, उनको भी ऑक्सीजन, उनके लिए भी ऑक्सीजन दी जा सके, ठीक है. तो ऑक्सीजन डेड तीन चीज़ों के लिए चाहिए होता है. मेनली किसके लिए चाहिए? ऑक्सीजन डेफिसिट पूरा करने के लिए. और डेफिसिट किस फॉर्म में था? लैक्टिक एसिड की फॉर्म में था या लैक्टेट की फॉर्म में था, ठीक है. बाकी ऑक्सीजन डेड इज ऑल्सो यूज टू री ऑक्सीजनेट द हीमोग्लोबिन एंड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज विच आर ऑपरेटिंग एट अबव नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट्स या हाई मेटाबॉलिक रेट. तो दिस इज ऑक्सीजन डेड, ओके. और इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट अबाउट ग्राफ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ताकि जब तुम इसको रिवाइज करो ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो. Initially, at rest, oxygen demand is equal to oxygen supply. So, oxygen is enough to carry out
sufficient aerobic respiration producing sufficient ATP to meet the energy demand. Number two, when the person starts exercising, oxygen demand rises suddenly because the energy demands rises. ठीक है, but oxygen supply increases gradually due to increased. अच्छा सही है, यहाँ पे इतना mention करते हैं कि oxygen supply increases gradually because, या हम यहाँ पे इसमें ये लिख सकते हैं कि as the oxygen demand is greater than oxygen supply, anaerobic respiration starts. The anaerobic respiration occurs together with aerobic respiration. In an attempt to avoid anaerobic respiration, in an attempt to avoid or stop anaerobic respiration, breathing rate and depth of breathing increase to increase the oxygen supply and make it equal to oxygen demand. As the oxygen supply becomes equal to oxygen demand, anaerobic respiration stops. Fourth point kya hai? During recovery phase, the energy demands, the energy demand decreases, so does the oxygen demand. The energy demand decreases suddenly, and so does the oxygen demand, but oxygen supply decreases gradually. So there is forced exercise, extra uptake of oxygen. To clear the oxygen deficit which was caused, to repair the oxygen deficit which was caused by anaerobic respiration. Oxygen deficit was in the form of lactate. सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी तुम पॉइंट्स पढ़ोगे तुम लोग तो तुम्हें सब कुछ रिकॉल हो जाएगा. अब देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स में कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ मिस हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है. तो इनिशियली एड्रेस्ड ऑक्सीजन डिमांड is equal to oxygen supply. So oxygen is enough to carry out sufficient aerobic respiration, producing sufficient ATP to meet the energy demands. Perfect. When the person starts exercising, oxygen demand rises suddenly because the energy demand rises. Okay? But oxygen supply increases gradually.
as the oxygen demand is greater than the oxygen supply, anaerobic respiration occurs together with aerobic respiration. Here, in an attempt to avoid or stop anaerobic respiration, breathing rate and depth of breathing increase to increase the oxygen supply and make it equal to oxygen demand. As the oxygen supply becomes equal to oxygen demand, anaerobic respiration stops. During the recovery phase, the energy demand decreases suddenly, and so does the oxygen demand. But oxygen supply decreases gradually. So there is post-exercise extra uptake of oxygen to repay the oxygen deficit. अच्छा ये जो post-exercise extra uptake of oxygen है, इसे bracket में लिख देते हैं, oxygen debt. To repay the oxygen deficit which was caused by anaerobic respiration. Oxygen deficit was in the form of